माँ का प्यार हिंदी कहानी। एक परी थी, एक बार उसने घोषणा की, जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसे मैं इनाम दूंगी। यह सुनकर सभी प्राणी अपने अपने बच्चों के साथ एक स्थान पर जमा हो गए। परी ने एक एक करके सभी बच्चों को ध्यान से देखा। जब उसने बंदरिया के चपटी नाक वाले बच्चे को देखा तो वह बोल उठी कि छी, कितना कुरूप है यह बच्चा, इसके माता पिता को तो कभी पुरस्कार नहीं मिल सकता। परी की बात सुनकर बच्चे के माँ के दिल को बहुत ठेस लगी। उसने अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया और उसके कान के समीप अपना मुंह ले जाकर कहा, तू चिंता ना कर मेरे लाल, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए तो तू ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, मैं कोई दूसरा पुरस्कार प्राप्त करना नहीं चाहती, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दुनिया की कोई भी चीज माँ के प्यार की बराबरी नहीं कर सकता। जितना प्यार हमें हमारी मम्मी यानी माँ करती है उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो अपनी माँ की रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है, उनका आदर सम्मान किया करो और उनकी बातों को अनसुना बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि जो माँ का प्यार होता है वो अनमोल होता है। आप सारी चीज़ें खरीद सकते हो लेकिन माँ का प्यार बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, जो हमें संसार में लेकर आती है। तो उसको कभी भी आप क्या नहीं करोगे, दुख नहीं पहुँचाओगे, और जैसे वो कहती है वैसा आपको करना है, क्योंकि माँ कभी अपने बारे में नहीं सोचती, हमेशा हमारे बारे में ही सोचती है। तो हमेशा हमें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। थैंक यू।